नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरओएआरओ परीक्षा के लिए डेली बेसिस पर हिंदी के सेक्शन को टारगेटेड वे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट सिलेबस या सेक्शंस को कवर करते हुए चलते हैं। उस क्रम में हमारी एक ये वीडियो रहती है और साथ में इसका पीडीएफ रहता है, जिसको आप लोग अगर डेली बेसिस पर तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग इस परीक्षा में बेहतर अंक लाने में सक्षम हो सकेंगे। फिलहाल देखिए, जो आज का हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऐसे कोटेशंस का, निबंध के लिए जो महत्वपूर्ण उपयोगी उद्धरण हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो ये है, इसमें देखिए, सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। अब देखिए, ये कहा किसने था, तो अरविंदो घोष ने, जिनको आप जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी नेता थे वो थे, और इन्होंने जो है ये बात कही कि सूचनात्मक ज्ञान मतलब जो तथ्यात्मक या फैक्चुअल जो नॉलेज होती है वो हमारी कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र का मतलब कुश के समान जिसका अग्र हो, यानी बहुत पैनी बुद्धि या बहुत तीक्ष्ण बुद्धि जो बोलते हैं, तो सूचनात्मक ज्ञान यानी फैक्चुअल नॉलेज जो है वो तीक्ष्ण या पैनी बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सूचनात्मक ज्ञान की निंदा कर रहे हैं। सूचनात्मक ज्ञान कि निंदा क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि वर्तमान की जो हमारी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था है उसमें यह एक बहुत बड़ी खामी के रूप में आता है कि जो यहाँ पर सूचनात्मक ज्ञान है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप लोग देखेंगे जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर वो यही सब पढ़ाते हैं। आज भी वही चल रहा है कमोवेश कि अंग्रेज जो है वो कब भारत आए और कब उन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, कहाँ पर की, यही सब चीज़ें, यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पहला अंग्रेज कौन आया था। बजाय इसके ध्यान इस पर होना चाहिए कि क्या कारण थे भारत में जिसकी वजह से अंग्रेज इतने ज्यादा सफल हो गए। इन सब प्रश्नों को पेपर में पूछे जाने की आवश्यकता है, परंतु होता यह है कि कुछ एक स्तरीय परीक्षाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चूंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, इसी वजह से हम लोगों का जो है एक ज्ञान का दायरा भी उसी तरफ को आगे बढ़ता है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि अगर रटते हो तो आगे बढ़ते रहोगे। तो फिलहाल देखिए, इन सभी बातों को हटाएं, यहाँ से हमें शिक्षा व्यवस्था की अगर खामियों पे प्रश्न आए या निबंध आए या आपका जीएस मेंस में कोई आंसर आए तो वहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं, और या फिर वास्तविक शिक्षा कैसी होनी चाहिए या आदर्श शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आदर्श शिक्षा का स्वरूप क्या हो, वहाँ पर ऐसा कोई अगर टॉपिक आपको निबंध में पूछा जा रहा है तो वहाँ पर भी आप इसको आसानी से कोट कर सकते हैं। अरविंदो घोष का ये स्टेटमेंट है, आप लोग इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द आज हम लोग को देखना है, उसमें देखिए पहला वर्ड है ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व, जबकि ये गलत वर्ड है। ऊर्ध्व में दरअसल जब ये यहां पर देखिए, सॉरी एक मिनट, ऊर्ध्व में ये बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तब जाके ये आपका, ये देखिए, ये आपका सही वर्ड हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो ऊ की मात्रा में, बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगी है, यानी बड़ा ऊ नहीं है, तो इस वजह से ये गलत वर्ड है। वास्तव में सही वर्ड जो है वो होता है ऊर्ध्व, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं लब्ध प्रतिष्ठित। अब देखिए, लब्ध प्रतिष्ठित ये वास्तव में डबल हो गया है, जब प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा से वर्ड जब बनता है प्रतिष्ठित, तो मतलब जिसके पास प्रतिष्ठा हो, और इसी प्रकार से अगर हम लोग लब्ध प्रतिष्ठ बना देते हैं तो मतलब जिसके पास प्रतिष्ठा हो उसको लब्ध प्रतिष्ठ भी कहा जाता है। जैसे ख्याति लब्ध बोल दिया जाता है कि मतलब जिसके पास जो ख्याति से युक्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्रतिष्ठित बोल रहे हैं उसका भी सेम मीनिंग है, और लब्ध प्रतिष्ठ बोल रहे हैं उसका भी सेम मीनिंग है, तो यहाँ पर इन दोनों को एक कर दिया गया, जो गलत है। या तो इसमें प्रतिष्ठित रहने दीजिए और या तो फिर ये लब्ध प्रतिष्ठ कर दीजिए, तो इसका जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो सेम यही सिचुएशन हमें इसमें मिल रही है, सानंदित। देखिए, वर्ड है आनंद, आनंद वर्ड है, अगर आप इस आनंद में ये आनंदित कर देंगे तो ये सही वर्ड हो जाएगा, और सानंद कर देंगे, सानंद, तो यानी आनंद सहित, ये भी सही वर्ड है, ये भी सही वर्ड है, परंतु इन दोनों को अगर एक में मिला के सानंदित कर देंगे तो ये आपका गलत वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या सही वर्ड है, तो यह सानंद आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप शुद्ध अशुद्ध में ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं,
तो ये आपका जो कपूर जो हमारा तद्भव तत्सम है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, जो जो सबसे पहला हमारा तद्भव है कपूर हम लोग बोलते हैं। तो कपूर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कर्पूर। आप लोग जो पढ़ते भी होंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो वो कर्पूर से ही कपूर बनाए, इसको ही सरल करके कपूर बनाए, यानी तत्सम शब्द है कर्पूर और उसका तद्भव है कपूर। इसी प्रकार देखिए उजाला, उजाला जो बोला जाता है ये इसका जो तत्सम शब्द है वो है उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है वो उसका तद्भव उजाला हो गया। उज्ज्वल का आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, जो हमारा शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध है उसमें भी उज्ज्वल को पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि उज्ज्वल को लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसके लिखने का पैटर्न ध्यान दे सकते हैं, ये जो डबल जा है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, डबल जा है यहाँ पे, ना कि सॉरी डबल आधा जा है। यहाँ पे कई लोग इसको लिखते हैं इस प्रकार से, आधा जा फिर पूरा जा, उज्ज्वल, ये गलत वर्ड हो जाता है क्योंकि ये उज्ज्वल हो जाता है, उज्ज्वल ना होकर के उज्ज्वल लिखना है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीता, ये जो तद्भव है मीठा का उल्टा तीता होता है, तो तीता का जो तत्सम बनता है वो होता है तिक्त, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तो देखिए तीता का जो आपका तद्भव तत्सम वर्ड बनेगा वो बनेगा तिक्त, ठीक है। तिक्त से आपका तीता बन गया, मिलता जुलता शब्द है, याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद देखें तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जो हमारा ये देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस पर हम लोग आते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला वर्ड है वो है नई ब्याही हुई स्त्री, पूछा गया शब्द है कि नई ब्याही हुई स्त्री, उसको नवोढ़ा भी बोला जाता है। नवोढ़ा का मतलब नई ब्याही हुई स्त्री, यानी जिसकी नई नई शादी हुई होती है, जो ढका ना हो, अनावृत, आवृत मतलब होता है ढका होना, आवृत मतलब ढका होना, आवृत मतलब होता है ढका होना, तो यानी जो ढका ना हो वो अन, इसमें प्रत्यय उपसर्ग जुड़ गया तो उससे वो बन गया वर्ड अनावृत। और इसी प्रकार से मिलता जुलता वर्ड है जो दोहराया ना गया हो, वो होता है अनावर्त। तो यहाँ पर देखिए मात्रा का अंतर है, यहाँ पे व में नीचे री की मात्रा लग रही है और यहाँ पे त में ऊपर र की मात्रा लग रही है, तो जो ढका ना हो वो आवृत का आगे अन उपसर्ग जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से जो दोहराया ना गया हो, इसमें देखें तो आवर्त में अन उपसर्ग जोड़ दिया गया, तो ये अनावर्त, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए आप लोगों को ऑप्शंस में इसके कन्फ्यूजन हो सकती है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा विलोम शब्द है, विलोम शब्द में देखिए तो ये जो पहला वर्ड है वो है उपेक्षा, यानी हम किसी की उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, वहीं उसका उल्टा जो वर्ड है विलोम जो उसका होगा वो होगा अपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा कई बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार देखिए एक इसी से मिलता जुलता है अवेक्षा, अवेक्षा का विलोम हो जाएगा अनअवेक्षा, यानी कि अन उसमें प्रत्यय जुड़ गया अनवेक्षा। और इसी से मिलता जुलता एक और है, जैसे अपेक्षा का आपने उपेक्षा देखा, तो अपेक्षा का एक और वर्ड भी हम लोग विलोम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो है अनपेक्षा, ठीक है। अनपेक्षा यानी अपेक्षा, उसका वर्ड जो है अन उपसर्ग जुड़ गया, तो अनअपेक्षा मतलब जिससे कोई अपेक्षा ना रखी जा सके, कोई अपेक्षा ना हो, वो अनपेक्षा हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो प्रश्न दिया गया था आपका उसमें यहाँ पे अनुपेक्षा भी लिख दिया गया था, मतलब देखिए कितना क्लोज वहां पे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो अनपेक्षा था साथ में अनुपेक्षा भी था, उसमें ऊ की मात्रा बस नीचे थी। तो ध्यान रखना है कि ये वर्ड नहीं होगा, नीचे लिखा भी है ये नहीं हो सकता, तो मतलब ये वाला वर्ड जो है यहाँ पे अनपेक्षा तो सही है, अपेक्षा का अनपेक्षा भी होगा और अपेक्षा का उपेक्षा भी होगा। अब देखिए इन दोनों में अगर उपेक्षा भी आ गया और अनपेक्षा भी आ गया तो फिर आप किसको लगाएंगे, तो यहाँ पे जो ज्यादा प्रचलित है इन दोनों में वो है अपेक्षा का उपेक्षा, तो इसलिए आप उसको टिक करके आएंगे। परंतु अगर ये नहीं दिया हुआ है और अपेक्षा में अनपेक्षा है अनुपेक्षा है, तो न में जिसमें ऊ की मात्रा है वो वाला वर्ड गलत है, ठीक है, वो दरअसल उपेक्षा का उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए वो वर्ड गलत है, बल्कि अपेक्षा का अनपेक्षा सही वर्ड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, फिलहाल इन दोनों में ये कन्फ्यूजिंग है, जो दोहराया ना गया हो और सॉरी ये जो अनावर्त और अनावृत वाला है, और साथ में ये अपेक्षा उपेक्षा अनपेक्षा, इन दोनों में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द, आज के जो हम लोग को पढ़ने हैं वो है, सबसे पहला पर्यायवाची है मछली,
मछली का देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीन तो बहुत कॉमन सा है, मत्स्य कॉमन सा है। अब यहाँ पर जो एक झक बोलते हैं कि मैंने झक नहीं मारी है, तो वो मछली से ही रिलेटेड है। तो झक, और ये दरअसल झस से ही बना है। झस जो है वो पहले के समय में स को ख बोल दिया जाता था उसको आसान बनाने के लिए, तो इसलिए झस, झक, मीन, मत्स्य, ये सब सुने हुए वर्ड्स हैं। यहाँ पे सफरी एक नया वर्ड सुनने में आ रहा है। सफरी जो है ये आपको ध्यान में रखना है, सफरी जो है एक नया वर्ड है, ये इसका मतलब होता है मछली, पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को और भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रावण। रावण का जो हमारा ये है पर्यायवाची शब्द, उनको देखते हैं। तो इनमें देखिए सबसे पहला वर्ड आ रहा है दशानन। दशानन बहुत ही कॉमन नाम है, ये आप लोगों को पता है। इसी प्रकार से लंकेश जो है वो भी कॉमन है, दशानन भी कॉमन है। अब दशानन का मतलब 10 आनन, जिसके 10 आनन हो, यानी 10 सिर हो। आपको पता है कि रावण के बारे में ऐसी धारणा है कि उसके 10 सिर थे, और दशानन से ही मिलता जुलता 10 शीश है। देखिए इसका भी सेम मतलब है, 10 कंधर, ये भी सब सेम। तो इन तीनों को आप एक साथ देख लेंगे, और लंकेश तो आपको पता ही है कि लंका के जो स्वामी थे, लंकापति थे, वह भी रावण को ही कहा जाता है, तो लंकापति भी इनका एक पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये बंदर, बंदर को देखिए कपि बोला जाता है। कपि आपको पता है कि कपि प्रजाति होती है, और कपि जो है वो बंदर को बोला जाता है। इसी प्रकार से बानर बोला जाता है, ये भी सही है एकदम, बानर जो है बंदर से ही बना है बल्कि। और इधर ये मरकट, मरकट यहाँ पे आपको एक नया शब्द मिल रहा है, मरकट, इसको भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। मरकट वर्ड, मरकट का मतलब बंदर। और शाखा मृग, शाखा मृग जो है ये, तो यानी बंदर का पर्यायवाची आपको जो वानर है या कपी है ये तो कॉमन सा है, परंतु जो मरकट और शाखा मृग है इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आज की जो प्रशासनिक शब्दावली है उस पर अगर नजर डालें, तो आज हमें जो प्रशासनिक शब्दावली आपके मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है, जिनको आप अगर ये सोचें कि प्री के बाद आप इसे कवर कर लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहां पर देखिए आप प्रशासनिक शब्दावली में सबसे पहला जो शब्द है वो है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है आरंभ से, इनिशियल से बन गया इनिशियो, और एब इनिशियो मतलब आरंभ से इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल यूज किया जाता है जो प्रिमिटिव प्रजातियां होती हैं या जो आदिवासी होते हैं उनके लिए, लेकिन अब ये आदिवासी को आप प्रिमिटिव नहीं लिख सकते हैं, भले ही बोला जाता है, परंतु यहाँ पर जो इसका प्रशासनिक शब्दावली जो यूज की जाती है आप उसी को प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि एब ओरिजिनल का मतलब आदिवासी, एब इनिशियो का मतलब आरंभ से, और मोनोपोली, मोनोपोली एक वर्ड है जो आपके इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, एक गेम भी होता है इसी प्रकार का। तो मोनोपोली जो है उसका मतलब होता है एकाधिकार, यानी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का अगर कहीं पे एकमात्र अधिकार है किसी सेक्टर में तो उसको एकाधिकार बोलते हैं। तो मोनोपोली, जैसे कहा जाता है कि जियो ने जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, उसके हिसाब से ही सारे प्राइसेस निर्धारित होते हैं, हालांकि वहां पर कॉम्पिटिशन है, वो परफेक्टली जो एक मोनोपोली है वैसी स्थिति नहीं बल्कि ओलिगोपोली वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी एक कमोवेश तो मोनोपोली क्रिएट हो ही गई है जियो की। फिलहाल देखेंगे ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आप लोग समझेंगे इन चीजों को। फिलहाल देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां जो आपके मेंस में आता है उसको अगर देखते चलें, तो आगे नाथ ना पीछे पगहा ये बोला जाता है, आपके गाँव में भी ये तमाम प्रयोग में आता है दैनिक रूप से। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा का मतलब पूर्णतः स्वतंत्र होना, जिसको जो है कोई किसी के वश में ना हो, जो पूर्णतः स्वतंत्र हो उसको बोलते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। इसी प्रकार देखें आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर को बेमेल मिश्रण, इसका मतलब होता है बेमेल मिश्रण, ठीक है। और ये एक ऐसा मुहावरा है जो कि हमारे ख्याल से नहीं कुछ तो 10 से ज्यादा बार अभी तक UPSC की परीक्षा में केवल पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसको आपको सेम ऐसे ही इसका लिखना भी होगा, आधा तीतर आधा बटेर, और इसका जो आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुहावरे और लोकोक्तियों का जो वाक्य प्रयोग आप लोग अपनी आरओ यारओ की परीक्षा में करेंगे वो किसी भी तरह से उस तरह का नहीं होगा जो अभी तक आप लोग करते आए हैं, जो हम सभी लोग करते आए हैं अपनी जो 9th, 10th या 5th, 6th से सिखाया जा रहा है कि अच्छा आधा तीतर आधा बटेर में वही वाला कर दिया कि रमेश ने आज पीली
पैंट पे सफेद शर्ट पहन ली, वो ऐसा आधा तितर आधा बटेर वाला पहन लिया, तो वो सब अब नहीं करना है वहां पे। अब हमें कुछ अलग तरह का देना है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति के दौर में, या फिर जो गठबंधन की राजनीति के दौर में दलगत भावनाओं से परे सभी लोग केवल स्वार्थ लोलुपता के चलते आधा तीतर आधा बटेर वाले स्थिति में होते हैं, और इस वजह से ही गठबंधन काफी हद तक टूटते हैं। इस तरह के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आराम से इस पर सोच विचार के। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। ये दरअसल प्रयोग किया जाता है कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखने लगते हैं। मतलब कोई भी अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके लक्षण जो है बहुत पहले से ही दिखने लगते हैं, इसी को बोला जाता है होनहार बिरवान के होत चीखने पात। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को इसका फायदा मिल रहा होगा। डेली बेसिस पे आपकी काफी सारी चीजें कवर होती चल रही होंगी। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।